नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले के लिए चुनावी हथियार बना दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने आज अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है और इसका स्लोगन जेल का जवाब वोट से रखा गया है। आपके कैंपेन वाले पोस्टर में सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पहली बार कैंपेन लॉन्च किया गया है। जेल से लौटे सांसद संजय सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कैंपेन को लॉन्च किया। इस कैंपेन को लॉन्च करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम केजरीवाल के मिशन को आगे बढ़ाएं। उधर आपके कैंपेन को बीजेपी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब साफ है, भ्रष्टाचार के आरोप पर सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। अब देखना है कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आप कितना बड़ा चुनावी आंदोलन खड़ा कर पाती है और आपका कैंपेन कैसे सहानुभूति वोट में तब्दील होता है। आज मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मुहिम छेड़ दी है। सोमवार से आपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से। आपकी ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से। इस कैंपेन को आप नेता संजय सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लॉन्च किया। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चुपचाप जा करके एक वोट से इस तानाशाही पर हम चोट कर सकते हैं, एक वोट से तिहाड़ के ताले हम खोल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को बाहर ला सकते हैं। इसलिए 25 मई का दिन हमें याद रखना है और सभी दिल्ली वालों को मिलकर के इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए आज से कमर कसनी है। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया। जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया, उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। आपने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में किया गया। नियमों में बदलाव कर निजी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की छूट दी, इसके बदले कंपनियों को ठेका दिया। अब आपके कैंपेन को बीजेपी ने चुनावी स्टंट करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय राजधानी आबकारी नीति मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें 2 बार ईडी कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका पर 3री बार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें पत्नी सुनीता केजरीवाल, वकील सहित 6 लोगों से नियमानुसार मिलने की इजाजत है। 15 अप्रैल को सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त होगी। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जमानत पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनावी मुद्दा बना दिया है। आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि भले ही केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता अपने वोट से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने कैंपेन को लॉन्च किया और कैंपेन की तस्वीर में अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी लगातार कई सारे सवाल इस कैंपेन को लेकर उठा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। सबसे पहले आप सभी को उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम जी मौजूद हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, आपके कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी स्टंट बता दिया है। आपने सुना होगा ये मुहावरा, ईंट का जवाब पत्थर से। हम वो काम नहीं करते, ईंट का जवाब पत्थर से। हमने क्या कहा, जेल का जवाब वोट से दे। जो आम आदमी के पास पत्थर जो है वो वोट है जी। वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके वो जवाब देगा। जिस प्रकार की कुरीतियां एक तरीके से कुचक्र कहे गए, हम इसको ये चल रहा है पिछले काफी दिनों से। ये बताइए, ये कुचक्र क्यों चलना पड़ा? क्योंकि सीधे सीधे रास्ते में ये चलने में असफल रहे लगातार पिछले 2014 के बाद से। आप देखिए, जब 15 में हमारी दूसरी बार सरकार बनी बहुमत से, तीसरी बार जीत से बनी, अब इनसे रहा नहीं गया कि सीधे सीधे तो हम इसे नहीं जीत सकते। तो सारी सिकरमबाजियां इन लोगों ने अपनाना शुरू किया और आज ये हालात है। कोई बात नहीं, हमें मालूम है कैसे इसे निपटते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो उदय हुआ है वो भी एक संघर्षों के तहत हमने आंदोलन चलाया और हमारे आंदोलन के कोख से ये पार्टी उत्पन्न हुई है। तो हमें मालूम है, कोई बात नहीं है कि ये फेज है, ये समय है, इससे भी हम निपट करके इससे भी हम उभरेंगे और आगे आने वाला समय लोगों के लिए, देश के लिए और बेहतर होगा। हम लोगों की सेवा और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो हम इसे घबराने वाले नहीं है जी। कोई भी नेता, आपने देखा होगा, हमारे संजय सिंह जी को भी जमानत मिली, जब से मिली है जमानत आप देख रहे होंगे कि कितनी उनकी जो काम करने की जो गति है, लोगों में अपने साथियों में उत्साह पैदा करने की जो जज्बा है, जो मुकाबला करने की शक्ति है, आपने देखी होगी, कोई छिपी नहीं। तो हम सारे लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर के काम करते हैं और चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। आपको आगे देखने को मिलेगा जो भी परिणाम होगा चुनाव होगा। ठीक है, हमारे साथ शांत प्रकाश जी भी बने हुए हैं बीजेपी का जो पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शांत प्रकाश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है और अब उनके इस चुनावी कैंपेन को आप लोगों ने स्टंट भी बता दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि शायद आप लोग तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में एक नारा भ्रष्टाचार हटाओ, इसके साथ में आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार में सत्ता में आई और आज उस पार्टी का नारा भ्रष्टाचारी को बचाओ इसमें तब्दील हो चुका है जी। 10 साल में स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या हो गई है। दिल्ली को इन लोगों ने किस तरीके से ठगा है, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर और खुद ही भ्रष्टाचारी हो गए। ये एक अजीबोगरीब जो है उदाहरण हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो आम आदमी पार्टी से देखेगी, सीखेगी। और मैं ये मानता हूं कि कितने ये लोग दिल्ली की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको हीरो बना करके ये पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र, ये सिसोदिया जी, इनको पिछले 1.5 साल से जी जमानत तक नहीं मिल रही है। न्यायालय जो है उनको जमानत नहीं दे पा रहा, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि ये किसी तरीके से भ्रष्टाचार में, इन्हीं की संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो है अब उनके साथ में वहां पर मौजूद है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये भ्रष्टाचार। अरे, आप भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए नहीं, दिल्ली में विकास के लिए भेजे गए थे। लेकिन शांत प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने बहुत ही सफाई से और सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है आप लोगों ने। शांत प्रकाश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्या आप जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है और कोई भी भ्रष्टाचारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 700 पेज की एक किताब लेकर के जो है पूरा फाइल लेकर के घूमते थे कि ये शीला दीक्षित जी के खिलाफ जो है मेरे पास में पूरे पुख्ता प्रूफ है। वो प्रूफ वो तो नहीं दे पाए, मगर हाँ कांग्रेस ने उनको जो है उनके लिए प्रूफ पैदा किए और उसके बाद में आज कांग्रेस के कारण से ही वो दिल्ली की जेल में तिहाड़ जेल में बंद है। और आज मजेदार बात यह कि दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब आखिर दिल्ली की जनता को आप समझते क्या है? आप कुछ भी बोलेंगे कुछ भी करेंगे दिल्ली की जनता समझेगी नहीं। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को? बिजली पानी मुफ्त के नाम पर आपने उनको गुमराह किया और खुद दिल्ली लूट करके खा गए। तो ये इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और इस बार जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही जो है वैसे भी ये लोग हार ही रहे और इनके जो मंसूबे हैं चाहे कितने भी कोशिश कर ले वो पूरे नहीं होने वाले। ठीक है संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं उसके बाद में सुमित जी का उत्तर। नलिनी जी मैं ये कह रहा था यादव साहब को मैं सुन रहा था बीजेपी के जो प्रवक्ता है बोल रहे साहब इन्होंने ये किया वो किया। आप बताइए बिहार में आपने नीतीश कुमार जी आपसे गए चले गए आ गए चले गए आया राम गया राम आपने क्या समझ रखा है जनता को देश की? और आप 5 किलो राशन दे रहे हो 5 किलो राशन देकर के क्या आप उनको क्या क्या समझ रखा है? देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है ये आपको चोट पहुंचने वाली है। आपको इन्हीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से आपको सारा मिल जाएगा। किस तरीके से आपने पिछले 10 वर्षों से आप बेवकूफ बना रहे हैं आम आदमी को देश को आप खुद बांट रहे हैं एक रेवड़िया बांट रहे हैं और दूसरों से आप कहलाते हैं कि रेवड़िया बांट रहे हैं पारे उनको रोजगार उपलब्ध कराइए लोगों को। नहीं तो सर आम आदमी पार्टी फ्रीबीज की बातें नहीं करती है क्या चुनाव से पहले? नहीं आम आदमी पार्टी कर रही है तो क्या आपको सुविधा दे दिए? हमने क्या सुविधा दी? हमने लोगों को बिजली बढ़ा दी कि नहीं दी? वो भी 100-200 यूनिट तक जो समाज का एक तबका है उसको जो बराबरी लेके डालने के लिए आप क्या कर रहे हैं मुफ्त अरे उनको रोजगार उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे? आप रोजगार उपलब्ध कराइए किसानों को है आप जो है 6,000 रुपए 500 रुपए महीने आप दे रहे हैं। अरे भाई आप दे रहे हो तो वो बढ़िया है दूसरा को दे यही ये जो आप पर काम करने का तौर तरीका है आप खुद डूबे हो रहे हैं आगन तक। जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। ठीक है हमारे साथ कांग्रेस से सुमित जी भी बने हो सुमित जी से भी सवाल ले लेते हैं। सुमित जी आम आदमी पार्टी ने चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया और उसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से। नलिनी जी निसंदेह लोकतंत्र में किसी भी कोई भी जवाब वोट के माध्यम से ही दिया जाता है जी। मैं भी सुन रहा था मेरे भाजपा के साथी कई बातें बोल रहे। बड़ा दुख होता है जब ये बात करते हैं भ्रष्टाचार, दुख होता है जब ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की, दुख होता है जब ये बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। अरे भाई मैं आपके माध्यम से नलिनी जी ईडी से प्रार्थना करता हूं विनती करता हूं अगर पीएमएलए एक्ट में उनको वाकई कार्यवाही करनी है निष्पक्ष कार्यवाही करनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा कोई एग्जाम्पल है तो बीजेपी के सारे नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इन्होंने देश को लूटा जी। क्या वो पीएमएलए का केस नहीं बनता? अरे सीधा पीएमएलए का मामला बनता है लेकिन नहीं होगा। क्यों? ईडी जो है हाथों में खेल रही है भाजपा के प्रधानमंत्री के गृह मंत्री के इसीलिए हो रहा है। ये मेरे भाई बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। अरे भैया आप तो मरीजों का कफन में से पैसा निकाल के खा गई दवा कंपनियों से। आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर करोड़ों रुपए अरबों रुपए हजारों करोड़ रुपए ले लिए और उन दवा कंपनियों ने महंगी दवाइयां बेची और आपकी बद्दुआ लगी आपको बद्दुआ लगेगी मरीजों की। आपने इस देश की युवा पीढ़ी को जुआरी सटोरिया बना दिया उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर आपने पैसा इकट्ठा किया। आप कहते हो आप शुचिता की बात करते हो अरे आप महिला सुरक्षा की बात करते हो कठुआ से लेके उन्नाव तक इस देश में देखा बीएचयू में देखा गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी में देखा किस तरह से इनके लोग इन्वॉल्व है। नलिनी जी बड़ा दुख का विषय है कि आज भाजपा किस मुंह से ये कहती है कि हम गुड गवर्नेंस करें। गवर्नेंस कहीं नहीं है। अगर कुछ है इस देश में तो भाजपा की अराजकता है भाजपा का शोषण है भाजपा का भ्रष्टाचार है। और मैं आपसे दावे के साथ आपको आज आपके चैनल पर कह रहा हूं कि 4 जून को इस सब की विदाई होगी और देश में इंडिया गठबंधन की एक मजबूत लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और उसके बाद हम बताएंगे पीएमएलए एक्ट के असली गुनहगार कौन। कैसे विदाई होगी सर? बीजेपी तो 400 पार का नारा दे रही है।
मैडम मन के लड्डू फीके क्यों, फीके तो कम क्यों? और मैं एक बात और कह देता हूँ, रहीम दास जी कह के गए, रहीमन फाटे दूध के मथे नमाकन होए, इनका दूध नुमा बीजेपी का चरित्र फट चुका है, दुनिया देख चुकी है, अब इनसे कुछ नहीं निकलने वाला, केवल ये चीज निकलेगी कि ये हार के घर बैठेंगे। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए, गुड गवर्नेंस की बातें आप लोग करते हैं लेकिन हर मुद्दे पर विफल रही है आपकी पार्टी, लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस जो है बेसिकली पूरी तरीके से हार स्वीकार कर चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो है कांग्रेस छोड़कर के दूसरे दलों में जा चुके हैं, और बड़े ताज्जुब की बात है कि उसके बावजूद कांग्रेस सुधरने का कोशिश प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस के जो लोग दूसरे दलों में गए वो कांग्रेस की विचारधारा से त्रस्त होकर के गए, और सही मायने में कांग्रेस ने पीछे नारा निकाला कि हम 72,000 रुपया देंगे, आज इन्होंने एक नारा निकाल दिया है कि 1,00,000 रुपया महिलाओं को देंगे। अब मुझे पता है 72,000 रुपया जो है इन्होंने अपने किन किन प्रदेशों में दिए, और अब ये जो 1,00,000 रुपया देने की जो बात कही है, मैं शिगुफा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम जीतेंगे तो है नहीं, मगर इस प्रकार की बात कह करके कम से कम लोगों को भ्रमित करें। आपने हिमाचल प्रदेश में भी घोषणा करी थी कि हम 1,00,000 रोजगार देंगे, मगर आपके मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मेरे पास में इस प्रकार की बात नहीं है, चुनावी बात के चुनाव में कही। तो इस तरीके से ये जो लोग बात कह रहे हैं, कांग्रेस की अपनी कथनी और करनी में ही तालमेल नहीं है, कुछ भी बोल देना और उसको कह करके भाग जाना, इस प्रकार की नीति के साथ में कांग्रेस काम करी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही 100% उसको जमीन पर उतारा है, और आगामी समय 2024 के बाद जो हम संकल्प पत्र में जो संकल्प लेंगे उसको 100% उतारेंगे। और ये मैं आज दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं को कहना चाहूंगा कि बहुत सख्त रहेगा 2024 के बाद में देश का राज, किसी भी सूरत में ना भ्रष्टाचारी बचेगा ना भ्रष्टाचार, इसलिए बहुत कमर कस करके चले, क्योंकि जिस तरीके से आज भ्रष्टाचारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे खामियाजे जो हैं आपको भुगतने पड़ेंगे 2024। सर विपक्ष लगातार एक सवाल पूछता है कि क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्षी पार्टियों में ही हैं, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? बताएं मेरे को कहां है कौन भ्रष्टाचारी है, किसके ऊपर केस चल रहा है, और जो जिस किसी के ऊपर केस चला उसने उसको सजाएं भी हुई हैं, और वो क्या नाम है कोर्ट के सामने पेश हुआ। फिलहाल हमारे फिलहाल ये बेशक से कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी में फ्रंट लाइन में कहीं भी कोई इस प्रकार का जो है अपराधी नहीं है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचारी। ठीक है संजीव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, इसको बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदों में दलाली खाई उसने और उसको सजा भी मिली न्यायालय से। और नंबर दो, अभी वर्तमान में आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी लेकर के स्टार्ट करता हूँ, जिनको आपने राज्यसभा का सदस्य बना दिया, अशोक चव्हाण जी जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से, आप लोग उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे आदर्श घोटाले में लेकर के आपने राज्यसभा में भी भेज दिया, जिनको आप बोलते 70,000 घोटाला किया, मैंने नहीं कहा, हमारी प्रधानमंत्री महोदय ने कहा भोपाल की रैली में, और दो चार दिनों बाद उनको आपने उप मुख्यमंत्री से नवाज दिया, छगन भुजबल उनको आपने नवाज दिया, इनकी जांच जो है जो प्रफुल्ल पटेल साहब है उनकी जांच भी बंद हो गई, ईडी ने कहा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री जो है उनको उनके कोई जांच नहीं है, तो ये तो आपका काम करने का तरीका है, हमने थोड़ी कहा है भ्रष्टाचारी, आप लोग कहा करते थे, जो असम में मुख्यमंत्री है इस समय आप लोग बोला करते थे मटर घोटाले में, आपने निकाली थी मुकलेट, हमने थोड़ी निकाली थी, आपकी पार्टी में आ गए तो पवित्र हो गए, तो ये सारी चीजें हैं, आपकी पार्टी में एक भी दलित जी इनके पास आप पार्टी में नहीं है जिनको ये उम्मीदवार बना सके, सारे उम्मीदवार बना रहे बाहर से ला के, जो इनके यहाँ इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है जो हम देख पा रहे हैं कि इनके यहाँ कोई उसको जो इतने वर्षों से मेहनत कर रहा है वो इस उम्मीद में था कि शायद हमको कहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, इन कहीं कुछ नहीं बाहर में ला ला करके इन बाहर वालों को दे रहे हैं, अरे भाई कुछ अपने वालों को रखो उनको भी तो दे दो मौका, नहीं सोच समझ के रणनीति बनाकर मैदान में उतार रहे हैं ना सर, कहते हैं कि सोच समझ के रणनीति बनाकर मैदान में उतार रहे हैं। अच्छा आप ये भ्रष्टाचारी वही संजय भैया हमारे बोल रहे थे कि जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा बीजेपी में पदाधिकारी, आप उनको लीजिए उनको बनवाइए उनको नवाजिए, आपको बाहर से तो जो चोट मिली है मिली आपको अंदर से ही, इनके अंदर भी नहीं रह गया, लोग बाहर तो खतर कर रखा है,
अनंत हेगड़े जी जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटका के, उन्होंने जुबान खोल दी तो फौरन उनके ऊपर ऐसा है। प्रधानमंत्री महोदय बोलते थे कांग्रेस ने जो है वो लोग छह साल के लिए निकाल देते हैं, कोई अगर दर्शन करने चला गया अयोध्या में, आपके यहाँ अगर कोई जुबान से किसी ने खोल दिया तो आप उसको ऐसी प्रताड़ना देते हो। अरे भैया कम से कम बोल, आप भर्ती कर रहे हो लोगों को, बोलने की तो आजादी दो ना। आप किस प्रकार से चापों को डंडा लेकर के उनको भर्ती कर रहे हो, ये आपको अपने वाले ही आपको जो है आपको गिराएंगे और आपको पता चलेगा आने वाले। रह जाइए, ऐसा ही हुआ था ना उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी 2004 में, उनको भी बोलता इंडिया साइनिंग हो रहा है, आपको भी अभी लग रहा, मतलब तीसरे टर्म के उन्होंने प्लान बना रखे। ठीक है सर, हमारे साथ सुमित जी भी बने हुए हैं। सुमित जी देखिए, अभी अभी शांत प्रकाश जी ने आपकी बात का जवाब दिया और शांत प्रकाश जी ने कहा कि आप लोगों की हताशा बोल रही है, कांग्रेस के तो प्रवक्ता और नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद की पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा है। हताशा किसकी बोल रही है? अरे आप अपने आप से लोगों को लीजिए। संजीव जी, सुमित जी के लिए सवाल है। सुमित जी, नलिनी जी, जहां तक इनकी बातों का सवाल है मैं जवाब दे देता हूं। बड़ा दुख का विषय है कि अपने आप को दुनिया की बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा के पास आज चेहरे नहीं है, लोग नहीं है, नेता नहीं है। इसकी बार की एक बात दिखा देता हूं। झारखंड में 14 में से 13 प्रत्याशी बाहर के हैं इनके, हरियाणा में 10 में से 6, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास नेता नहीं है। ये लोग और नेता तो सर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोग प्रत्याशी नेता तो आपके पास भी नहीं है। मैं नलिनी जी एक मिनट में कंटिन्यू करता हूं। जहां तक इनकी बात है, हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। इनके कार्यकर्ता जो सालों से इनको सींच रहे थे, आज वही डंडा लेके खड़े हुए हैं कि इनको तो तुमने नेता बना दिया, हमारा क्या है। पहला इनको अगर किसी का सामना करना पड़ रहा है तो घर की फूट का करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ता का मुकाबला करना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता का तो बाद में करना पड़ेगा। ये बोले हमसे रोजगार की बात करते हैं। अरे भाई साहब, कौन से रोजगार की बात करते हो? इस देश का बेरोजगारी दर 8% से ऊपर आदरणीय मोदी जी ने ला के दे दिया। आपके मुंह से रोजगार की बातें शोभा नहीं देती। आपके मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने दिए? क्या बोले, पकौड़े तल लो, ये रोजगार था आपका? अरे कौन से, किस मुंह से आप लोग ये बातें करते हैं? मुझे तो बड़ा दुख होता है इस बात का कि जब ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए थे, हमने लगाए थे क्या? चक्की पी सिंह आप ही कहते थे ना, अब गलबैया कर रहे हो? कौन सा चरित्र लेके आप इस देश के सामने जा रहे हो? मैं ये कह सकता हूँ नलिनी जी दावे के साथ, इस आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी पार्टी ने चरित्र गहनन सबसे ज्यादा किया होगा तो आज की भाजपा, इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा। अगर लोकतंत्र का किसी ने गला किसी ने घोटा है तो वो आज की भाजपा है। अगर संविधान को किसी ने मारा है तो आज की भाजपा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाला समय भाजपा का नहीं है भाइयों, बहुत हो गया। ये देश ने बहुत झेल लिया, बहुत हुई मोदी की मार, अब की विदाई है मोदी की सरकार। कितना है कि मोदी की सरकार की विदाई है और आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप 2-4 लोगों को और अंदर कर सकते हो, झूठे मुकदमे लगा। लेकिन सर आप लोगों पे भी आरोप लगे हैं। देखिए, केरल के सीएम ने आप लोगों पे आरोप लगाया कि आज आम आदमी पार्टी की जो दुर्दशा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुई है। मैडम, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन का मजबूत हिस्सा है और अब हम हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक इन्होंने भ्रष्टाचारियों की बात करी, अभी इस देश के सबसे बड़े खनन माफिया जो थे उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी, उस पर कुछ कह दे? नहीं कहेंगे। ठीक है, शांत प्रकाश जी मुस्कुरा रहे हैं। शांत प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। शांत प्रकाश जी, इनका चरित्र अलग है। आपने बहुत षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और अब उसके साथ में गठबंधन करके दिल्ली की सीटों पे भी कब्जा कर लिया। कांग्रेस बहुत शातिर पार्टी है, ये आज दिखाई दे गया। आपने इधर उधर की ढोल बजा करके अपना हित साध लिया। आपने ठीक है, सुमित जी सुन लेते ना, सुमित जी आपको मौका दिया ना मैंने, सर आपका रुख करूंगी मैं, सुन लेते ना, इस प्रकार से किसी की भी आवाज नहीं आएगी। जी शांत प्रकाश जी, देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल के पीछे पहुंचाया, इन्होंने अपना हित साध लिया। आप कांग्रेस कितने बढ़िया तरीके से षड्यंत्र करके, आपने जो पंजाब से आपकी स्थिति साफ हो गई थी, दिल्ली से स्थिति साफ हो गई थी, आपने इनका मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जेल में भेज दिया और आज उन्हीं के साथ में मिलकर के आप उसका वोट में भी सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है कांग्रेस की सोची समझी रणनीति। जी वैसे सुमित जी,
आप दो तीन राज्यों में सरकार है, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, तो मुझे लगता था कि आप शायद कुछ रचनात्मक कार्य वहां पर कर रहे हैं उसका यहां पर उल्लेख करेंगे, ताकि दिल्ली की जनता को ये पता लगे कि आपने अपने क्षेत्र में क्या रचनात्मक कार्य किए हैं। जी, ठीक है संजीव जी, संजीव जी जल्दी से एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी संजीव जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने शांत प्रकाश जी, संजीव जी से जल्दी से एक आखिरी प्रतिक्रिया संजीव जी, जिस प्रकार से पोस्टर में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे दिखाया है, क्या लगता है लोगों से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरीके का पोस्टर बनाया गया है? जो हकीकत है हम अपनी हकीकत क्या लोगों तक न बताए, जो हो रहा है जो आप बना रखे हैं वो हम अपनी आवाज अपने लोगों को देश के जो लोग हैं उनको उन तक ना पहुंचाए, उनको हम हकीकत से रूबरू करा रहे हैं कि ये केंद्र में बैठी सरकार है, आपके नेता आम आदमी पार्टी के नेता जो आपके लिए कर रहे हैं उनको ये बाधा पहुंचा करके उनके अंदर जेल में पहुंचा रही है, इसका सारे लोग हम लोग विरोध करते हैं और देश के लोगों को भी सोचना है और देखना और फैसला करना है उसी हिसाब से कि कैसे आगे आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपके लिए जो है समय जाया वक्त जाया कर रहा है। सुमित जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट। मैडम जहां तक इन्होंने बोला कि हम दिल्ली के लोगों को बताते तो मैं बता देता हूं भाई, हमने तो बहुत कुछ किया था, आपकी राजस्थान की सरकार जो है उसको खत्म करने पर चली हुई है, हमने इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करी 25 लाख की, आज आप वो दम तोड़ रही है राजस्थान में क्योंकि भाजपा की जो जन विरोधी सरकार है उसको खत्म करने पर चली हुई है, हमने हमारे जो कर्मचारी बंधु थे उनके लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना RGHS लागू करी, आज वो दम तोड़ रही है, हम अपने राजस्थान में OPS लेके आए, आपकी सरकार दम तोड़ रही है, हमने किसानों के 25,472 करोड़ के राजस्थान में ऋण माफ किया, आपकी सरकार उन पर ठीक है सर, देखिए चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहते, बड़ी माफी के साथ आप सभी को यहाँ रोक रही हूँ, वक्त का अभाव है, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने एक चुनावी आंदोलन खड़ा कर पाती है या नहीं, और आपका ये कैंपेन कैसे सहानुभूति वोट में तब्दील होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। आपको बता दें जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने आज अपना कैंपेन लॉन्च किया, अब उस कैंपेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। बहरहाल मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही, नमस्कार।